और दोस्तों कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर आप लोग जानते ही हैं कि इस समय जिस होटल में रणवीर रुका था और जिसमें अभी भी प्राची हैं, उसी होटल में अटैक हो चुका है। और वाकई में दोस्तों इस समय रणवीर के साथ साथ में प्राची की जान भी खतरे में है, क्योंकि रणवीर को अभी तक हालांकि पता नहीं था कि इसके अंदर प्राची थी जिससे मैंने बातचीत की है, क्योंकि दोस्तों प्राची से बातचीत कर भी चुका है लेकिन रणवीर को पता चल ही नहीं रहा है। लेकिन अब आखिरकार जब अटैक हो चुका है, जिसके बाद में प्राची और रणवीर दोनों ही सामने आते हुए नजर आएंगे और जिसके बाद में रणवीर की आंखें खुलती हुई नजर आने वाली है। सूत्रों के अनुसार सुनने में आ रहा है कि रणवीर को गोली लगने जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रणवीर अभी तक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव भी नज़र आ रहा था कि आखिरकार होगा क्या, लेकिन जैसा हो रहा है इस समय वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है रणवीर के साथ में, क्योंकि रणवीर को अब वो गैंगस्टर जो लगातार फायरिंग पर फायरिंग कर रहे हैं वो रणवीर को पकड़ लेंगे और जिसके बाद में प्राची को भी वो पकड़ते हुए नज़र आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए तो जल्दी ही पुलिस भी इंटर करने जा रही है उसी होटल के अंदर, और उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि काया को जल्दी ही पता लगने जा रही है कि जिस होटल में इस समय रणवीर है उस होटल में ही जो कि गैंगस्टरों का जो कि अटैक हुआ है, जिसके बाद में अब इधर काया भी बहुत ज़्यादा डरती हुई नज़र आ रही हैं कि आखिरकार रणवीर को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब काया की एक नई प्रेम कहानी स्टार्ट जो हो रही है वो किसी और से नहीं बल्कि वो रणवीर के साथ ही हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिल ही दिल रणवीर से मोहब्बत कर रही हैं, रणवीर से प्यार कर रही हैं, और रणवीर का मानना ये है कि इस समय वो किसी भी तरीका से अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, क्योंकि अपनी वाइफ को हर हालत में यानी प्राची को ढूंढना चाहता है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, जी हाँ अनुरोध करना चाहूँगा गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो आप लोगों के लिए दिल से।